ठीक है, स्टोमेटा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटा के बारे में, ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स या क्या होता है, क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इपिडर्मिस के स्ट्रक्चर में भी, और ऑलरेडी इन द प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपिरेशन के समय आप लोग को बताया था। आज हम बताएंगे टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो भाई स्टोमेटा इज द माइन्यूट इपिडर्मल ओपनिंग विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैव द टू किडनी शेप सिमिलर स्ट्रक्चर, टू किडनी शेप सिमिलर स्ट्रक्चर विच कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट दैट इज नोन एज द गार्ड सेल्स एंड वेरीफाइंग नंबर ऑफ द सब्सिडरी सेल्स, वेरीफाइंग नंबर ऑफ द सब्सिडरी सेल्स विच कवर द गार्ड सेल्स। तो एक टाइपिकल स्टोमेटा में क्या होता है, इट इज इट हैविंग द स्मॉल इपिडर्मिक ओपनिंग विद द सराउंडेड बाय द टू गार्ड सेल, गार्ड सेल आर द किडनी शेप, टू गार्ड सेल्स एंड दीज गार्ड सेल्स आर द कवर्ड बाय द वेरियस नंबर ऑफ द सब्सिडरी सेल। द नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल इज द वेरीज फ्रॉम स्पीसी टू स्पीसी। इसी के आधार पे बहुत से इसके टाइप बताए गए कि स्टोमेटा कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ द ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल किडनी शेप गार्ड सेल्स व्हिच मेक ए पोर इन सेंटर थ्रू व्हिच गैसियस एक्सचेंज आर द टेक प्लेस, आर द एक्सचेंज ऑफ द वाटर टेक प्लेस या द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऑक्सीजन इन कम या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा की। जनरली इट इज द फोर बेसिक टाइप ऑफ द स्टोमेटा फाउंड इन द डाइकॉट विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल के आधार पे चार तरह के स्टोमेटा बताए गए। फर्स्ट इज द एनेमोसाइटिक, फर्स्ट इज द एनमोसाइटिक विच इज फाउंड इन द रेनन्क्युलेसियस फैमिली, एन आइसोसाइटिक टाइप विच इज फाउंड इन द क्रूसीफेरी फैमिली, पैरासाइटिक टाइप विच इज जनरली फाउंड इन द रूबिएसी, डायासाइटिक टाइप इज फाउंड इन द कैरियोफिलेसी। एनमोसाइटिक, एन आइसोसाइटिक, पैरासाइटिक एंड डायासाइटिक। चलिए बात करते हैं एनमोसाइटिक आर द डाइट इज नोन एज द रेनन्क्युलस टाइप। इन दिस टाइप टू गार्ड सेल्स आर द कवर्ड बाय द मेनी नंबर ऑफ द सब्सिडरी सेल्स, ऑल सब्सिडरी सेल्स आर द सिमिलर इन साइज एंड शेप। जितने भी सब्सिडरी सेल्स होंगे दे आर द सिमिलर इन साइज एंड शेप। इट नंबर इज द वेरी 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है बट ऑल सब्सिडरी आर द सिमिलर, ओके, दैट आर कॉल्ड एज द एनमोसाइटिक टाइप। एन आइसोसाइटिक टाइप दैट इज ऑल्सो नोन एज द क्रूसीफेरस टाइप। हियर द ओनली 3 स्टोमेटा, हियर ओनली द 3 सब्सिडरी सेल आर द 3 आर सब्सिडरी सेल्स आर द प्रेजेंट बट they are the one are the smaller than the others। एक उसमें क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बाकी एक जैसे हो सकते हैं। इट में भी दो होंगे तो दो एक जैसे, लेकिन एक क्या होगा, all are the not similar in size, one are the smaller in comparison to the other, that is called as the anisocytic। Clear? Parasitic, here the stomata is the surrounded by two or more subsidiary cells but subsidiary cells are the found parallel to the pores, parallel to the pores, yahan dekho picture galat lagi hui hai, nahi sahi lagi hai, parallel to the pores the guard cells, aur dekhiye these are the two subsidiary cells, these are the one and two subsidiary cells, they are parallel to the guard cell, guard cell ke kya hai, parallel hai, okay। So that is called as the parasitic type or rubiaceous, yeah, rubiaceous type because it is found in the rubiaceae family।
ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, सब्सिडरी सेल आर द पैरेलल टू द पोर, डायसाइटिक इज जस्ट रिवर्स ऑफ द पैरासाइटिक, हियर इज द सब्सिडरी सेल्स आर द फाउंड परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोर। अब दिस इज द पोर की एक्सिस है और इसके कहां पाया जा रहा है, परपेंडिकुलर एट द 90 डिग्री या हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड एट द डायसाइटिक। यहां क्या था, पैरेलल था, जबकि यहां क्या है, दे आर फाउंड एट द 98 डिग्री। तो दिस टाइप इज कॉल्ड एट द डायसाइटिक टाइप आर इट इज फाउंड इन द कैरियोफिलेसी फैमिली, देयर फॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट द कैरियोफिलेसियस टाइप। ठीक है, यहां देख लीजिए ओवरऑल दैट इज द डायसाइटिक, देख रहे हैं परपेंडिकुलर, पैरासाइटिक, पैरेलल, एक्टिनोसाइटिक, ऑल मेनी सब्सिडरी सेल्स ऑल आर द सिमिलर इन साइज एंड शेप, एनिसोसाइटिक वन आर द स्मॉलर, अदर आर द मे बी द सिमिलर आर मे बी द डिसिमिलर बट वन इज द स्मॉलर, दैट इज कॉल्ड एज द एनिसोटाइक। एनमोसाइटिक, ठीक है, यहां पे एक अलग टाइप का, दैट इज द वेरियस टाइप के हैं, ठीक है, सब्सिडरी सेल्स यहाँ पे तीन ही है, यहाँ पे क्या है मेनी और वन आर द स्मॉलर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनमोसाइटिक टाइप। ठीक है, तो अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर की बात करोगे, दिस हैव द टू किडनी शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द गार्ड सेल्स, दीज गार्ड सेल्स आर द कवर्ड बाय द नंबर ऑफ द सब्सिडरी सेल्स, इट हैव द पोर, इट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, गार्ड सेल और सब्सिडरी के सेल के अलावा जो अन्य सेल्स होते हैं, इपिडर्मल सेल जो इसे एसोसिएटेड होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द आल्सो कॉल्ड एज द एक्सेसरी सेल्स। देखिए, दिस इज द स्टोमेटल अपर्चर और स्टोमेटल अपर्चर इंक्लूड द स्टोमेटल पोर्स, टू गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स आर ऑल द कलेक्टिवली कॉल्ड एज द स्टोमेटल अपर्चर, सॉरी स्टोमेटल ऑपरेटर्स, दैट आर कॉल्ड द स्टोमेटल ऑपरेटर, पोर प्लस टू गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडरी सेल्स, दे आर द कलेक्टिवली कॉल्ड द स्टोमेटल ऑपरेटर्स। कब स्टोमेटा ओपन होता है, कब क्लोज होता है, जनरली आप देखते हैं कि स्टोमेटा आर द ओपन एट द डे टाइम, क्लोज एट द नाइट टाइम, नाइट टाइम, ठीक है, ओपन एट द डे टाइम बिकॉज ट्रांसपिरेशन इज द अकर, क्लोज at the night because no transpiration is the occur। physiology already हम लोग जान चुके हैं कैसे stomata बंद होता है, कैसे क्लोज होता है, कई थ्योरी दी गई जिसमें सबसे प्रामिनेंट थ्योरी थी पोटेशियम आयन के इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स की वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है, जो लेविट ने थ्योरी दी थी पोटेशियम आयन के एक्सचेंज आयन की थ्योरी या पोटेशियम पंप थ्योरी। ठीक है, देखो जो डाइकार्टिलीफ होती है जनरली गार्ड सेल्स आर द किडनी से, बट इन द मोनोकार्टिलीफ गार्ड सेल्स आर द डम्बल से, दे आर द डम्बल से, डमरू के आकार के कुछ होते हैं। ठीक है, देखिए मोनोकार्ट में जनरली दे आर द पैरेलल ऑफ द स्टोमेटा इज द पैरेलल, ठीक है, मतलब हर स्टोमेटा क्या होंगे एक लाइन से ऐसे पैरेलली अरेंज होंगे, बट इन द डाइकार्ट स्टोमेटा आर द अरेंज इरेगुलरली, कोई अरेंजमेंट में इनके क्रम नहीं होता है, बट मोनोकार्ड में क्या होंगे पैरेलल एक एक के ऐसे करके पैरेलल, बट हियर इज द इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा इन लीफ, पॉलीगोनम टाइप, मीजो टाइप, फाइटिक टाइप एंड मोनोकार्ड टाइप क्या होता है बताते हैं। पॉलीगोनम टाइप में जब केवल स्टोमेटा कहां पाए जाए, ऊपरी सतह पे, मीजोफाइटिक टाइप में जब स्टोमेटा केवल निचली सतह पे पाए जाए, और मोनोकार्ड टाइप में व्हेन द स्टोमेटा आर द प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड इक्वल नंबर, अपर साइड एज वेल द लोअर साइड, इसी को अवन भी नाम देते हैं,
दैट आर जो अपर पे पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड द एपिस्टोमेटिक, जो निचली सतह पे पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड द एम्फिस्टोमेटिक, और जहां दोनों सतह पे पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड द एम्फिसाइटिक। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, क्या करना, हटा देते हैं हम लोग, ग्यारह नहीं देखते हैं। ठीक 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 हाँ 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 ठीक है। अच्छा 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 हाँ हाँ मालूम है सर। अच्छा 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 अरे तो उनको चीफ गेस्ट बना दीजिए सलाह उस दिन। हेलो। हाँ गेस्ट भी रहे, वो कीनोट स्पीकर बना दीजिए, क्या कर। हाँ हाँ ठीक है सर, बात कर लीजिए सर, ये वाला पैनल होता जाएगा, इसको सर्कुलेट कर देते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन होता रहे, कोई ये नहीं कह रहे है क्योंकि टाइम ये, हाँ टाइम नहीं मिला। हाँ हाँ पूरा एक बना के उसको, और वो भी सर्कुलेट कर दीजिएगा, उस पर हम लिंक, यही वाला लिंक डाल देना है, केवल रजिस्ट्रेशन के लिंक डालना है, बाकी तो मेल व्हाट्सएप पे चला जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ ठीक ठीक ओके। हाँ तो क्या कह रहा था, स्टोमेटा आर द ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा एपिस्टोमेटिक हाइपोस्टोमेटिक एंड द एम्फिस्टोमेटिक दैट आर आल्सो नोन एज द पॉलीगोनम टाइप मेसोफाइटिक टाइप एंड द मोनोकॉट टाइप। देखो एक साइंटिस्ट थे एनाटॉमिस्ट थे दैट इज नोन एज द वेस्क्यू, इन 1889 में इन्होंने फोर टाइप ऑफ द स्टोमेटा बताया था जो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, रेनन कुलस टाइप, क्रूसीफेरस टाइप। रेनन कुलस में क्या कहा इन्होंने कि द स्टोमेटल मदर सेल्स कट ऑफ द सिंपल यू शेप सेल एंड दे आर द हैवी द कवर्ड बाय द इररेगुलर इपिडर्मल सेल, सराउंडेड बाय द इररेगुलर इपिडर्मल सेल्स। क्रूसीफर टाइप में इनका अलग ही था, इन्होंने कहा तीन सब्सिडरी सेल्स से होते हैं, एक छोटा होता है और ये दो बड़े होते हैं, तो जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं दैट इज द रेनकुलस टाइप, क्रूसीफेरस टाइप, कैरियोफिलस टाइप, दैट इज ऑल्सो नोन एज द लेविटियस टाइप, क्योंकि लेविएटी फैमिली में पाया जाता है, वे भी पाया जाता है, देयर फोर इट इज ऑल्सो नोन एज द लेविएटियस टाइप। ठीक है एंड रूबेसियस टाइप, रूबेसियस में क्या होता है दे आर द पैरेलल लाइक दैट पैरासाइटिक, कैरियोफिलस टाइप में दैट आर द डायासाइटिक, ठीक है परपेंडिकुलर टू द पोर, इसे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। देखो एक स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन्टोजेनी, व्हाट इज द ऑन्टोजेनी, क्या होता है भाई ऑन्टोजेनी। हेलो। हाँ सर। ऑन्टोजेनी क्या होता है, देखो दो तरह के होते हैं, एक फाइलोजेनी होता है ऑन्टोजेनी, अगर कोई क्या हो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जैसे एक ही जनरेशन में जो क्रम चलता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑन्टोजेनी, जैसे आपका जाइगोट, जाइगोट से दो सेल बनना, दो से फोर सेल बनना, कौन सा सेल इम्ब्रियो का क्या बनाएगा, दैट इज दिस क्रम इज कॉल्ड एज द ऑन्टोजेनी, इसको क्या कहते हैं ऑन्टोजेनी आर द डेवलपमेंट एट द सेम जनरेशन। और फाइलोजेनी क्या है, अगर पूरे जनरेशन का वो पूरा इवोल्यूशन के क्रम में क्या है अंतर आया, जैसे हमारे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे है और मंकी का इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे है, एक अक्सर आता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी, जो विकास का क्रम होता है हमारा वो हमारे कहाँ दिखता है इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, यानी ऑन्टोजेनी में क्या होता है सीन होता है, दिखाई देता है। ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन्टोजेनी यानी इट इज द ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट दे आर द टू टाइप, one is the haplochelic, another is called as the
सिंडेटोचेलिक। हैप्लोचेलिक क्या है? अब चूंकि दो सेल्स हैं स्टोमेटा में, एक गार्ड सेल है एक सब्सिडरी सेल्स है, ओके। तो अगर गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स दे आर द डेवलप या ओरिजिनेट फ्रॉम द डिफरेंट मदर सेल्स, दो डिफरेंट सेल्स थे और उनसे बने हुए हैं, अलग अलग सेल के डिवीजन या रीडिविजन से बने हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज द हैप्लोचेलिक। अगर दोनों एक ही मदर सेल्स के डिवीजन और रीडिविजन से बने हैं तो दैट आर कॉल्ड एज द सिंडेटोचेलिक। क्या कहते हैं उसको? सिंडेटोचेलिक। और जब डिफरेंट से होते हैं तो दैट आर कॉल्ड एज द हैप्लोचेलिक। देखिए ऑलरेडी आप लोग को यहां दिख रहा है, देखिए दीज आर द स्टोमेटल इनिशियल, और स्टोमेटा को जो इनिशिएट करते हैं क्या बना रहे हैं आप, गार्ड सेल्स। बाकी जो सब्सिडरी सेल्स है दे आर द डेवलप बाय द नेवर सेल्स, इसके आसपास के सेल क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। जबकि सिंडेटोचेलिक में क्या है, एक मदर सेल्स है वही डिवाइड करके सब्सिडरी सेल भी बनाएगी और गार्ड सेल को भी बनाएगी। दैट आर द डिफरेंट इन बिटवीन हैप्लोचेलिक एंड द रिकॉर्डिंग कर ले तो का एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में, व्हाट डिफरेंस, व्हाट इज द हैप्लोचेलिक टाइप स्टोमेटा, व्हाट इज द सिंडेटोचेलिक टाइप द स्टोमेटा। तो सिन का मतलब सेम, अगर एक ही मदर सेल से डेवलप हुए हैं दोनों, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, दैट आर कॉल्ड एज द सिंडेटोचेलिक टाइप। और अगर डिफरेंट मदर सेल से बने हुए, डिफरेंट सेल से ओरिजिनेट हुए हैं तो दैट आर कॉल्ड एज द हैप्लोचेलिक। दूसरे एक बॉटनिस्ट थे दैट आर नोन एज द मेटकाफ एंड चाक, इन्होंने डिस्क्राइब किया द स्टोमेटा आर द फोर टाइप, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्होंने कहा एनमोसाइटिक टाइप, एनमोसाइटिक में क्या बताया मैंने कि दे आर द एक दो गार्ड सेल्स होंगे, दे आर द सराउंडेड बाय द वेरियस नंबर ऑफ द सेल्स, कई सेल से क्या होंगे, कवर्स होंगे, दैट आर कॉल्ड एनमोसाइटिक। एनाइसोसाइटिक, they are the surrounded by the three subsidiary cells which one cell are the smaller than other two। देखिए यहाँ पे तीन है, एक क्या है छोटा है, तो थ्री तीन से सराउंड होंगे, one are the smaller than the other two, that are called the anisotropic। दूसरा इन्होंने कहा diacritic, here the two subsidiary cells are the present at the right angle to the guard pore, या guard cells के क्या होंगे, right angle, पैरेलल नहीं, दे आर द राइट एंगल, दैट आर कॉल्ड एज द डायसाइटिक टाइप। थर्ड फोर्थ बताया इन्होंने, दैट इज द पैरासाइटिक टाइप अरेंजमेंट, इन्होंने कहा कि सब्सिडरी सेल्स आर द अरेंज पैरेलल टू द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के पोर के क्या होंगे, पैरेलल, देखिए दे आर द पैरेलल टू द गार्ड सेल्स, दैट आर कॉल्ड एज द पैरासाइटिक टाइप। स्टे एक और एनाटॉमिस्ट थे, उन्होंने दो और टाइप का बता दिया, इन्होंने चार दो बताए ही थे, इसके अलावा उन्होंने दो और नाम ले लिए, इन्होंने कहा एक्टिनोसाइटिक एंड साइक्लोसाइटिक। एक्टिनोसाइटिक में इन्होंने कहा स्टोमेटा आर द सराउंड बाय द मोर देन सराउंडेड बाय फोर आर द मोर सब्सिडरी सेल, फोर आर द मोर सब्सिडरी सेल्स। और साइक्लोसाइटिक में कहा इन्होंने मोर सब्सिडरी सेल्स तो होते ही हैं बट दे आर द अरेंज इन द वेरियस रिंग, कई घेरा बनाते हैं सब्सिडरी सेल्स, ये कई रिंग नहीं, कई रिंग बनाते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज द साइक्लोसाइटिक टाइप। डीडी पंत साहब आपके इलाहाबाद के ही थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, बहुत रिनाउंड बॉटनिस्ट रहे हैं, इन्होंने भी स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन्टोजेनी क्रम, विकास क्रम के आधार पर इन्होंने तीन तरह के स्टोमेटा बताए, वन इज द मीजोजीनस, पेरीजीनस एंड पेरी मीजोजीनस टाइप। मीजोजीनस टाइप वही जो अभी आपने सिंडेटोचेलिक में पढ़ा, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम मदर सेल, दैट आर कॉल्ड द मीजोजीनस। पेरीजीनस में क्या है, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट मदर सेल्स लाइक दैट हैप्लोचेलिक टाइप, तो पेरीजीनस टाइप उन्होंने कह दिया। पेरीमीजोजीनस टाइप के इन्होंने थर्ड टाइप बताया, इन्होंने कहा कि गार्ड सेल्स और एक सब्सिडरी सेल, तीन चार जितने भी हैं उनमें से एक वन सब्सिडरी सेल आर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम मदर सेल, व्हाइल अदर सब्सिडरी सेल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट मदर सेल। इन्होंने एक
एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो पंत साहब का भी एक क्लासिफिकेशन है, इसको भी आप एग्जाम में आए तो जरूर लिखिएगा, बेस्ड ऑन द ऑन्टोजेनी मीजो जीनस टाइप, पेरी जीनस टाइप एंड पेरी मीजो जीनस टाइप। वन कोथेम, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सिडरी सेल 10 टाइप के स्टोमेटा बता दिया है, दैट इज द हेक्सासाइटिक टाइप, इपीसाइटिक टाइप, हेमीपैरासाइटिक टाइप, यूपेरिसाइटिक, कोपेरिसाइटिक, डुप्लोपेरिसाइटिक, पेरिएटोसाइटिक, एक्जिलोसाइटिक, कोपेरिटोसाइटिक एंड को एक्जिलोसाइटिक। अगर आप ऐसे तो नाम याद नहीं होगा, कोशिश करना याद करने की, लेकिन आप इनके देखोगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है इन्होंने। अब देखिए एनमोसाइटिक है, केवल ये डायग्राम याद रखिए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। डायासाइटिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पैरासाइटिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। टेट्रासाइटिक अगर चार हो, क्या है, चार सब्सिडरी सेल्स हैं, दो पैरेलल और दो राइट एंगल पे, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासाइटिक टाइप। ठीक है, पैरासाइटिक तो है बट दे आर नॉट होल कवर द गार्ड सेल, तो ग्रेमिनेशियस टाइप इन्होंने कह दिया। एक्टिनोसाइटिक, ढेर सारे सब्सिडरी सेल्स हैं कवर किए हुए चारों तरफ से, ऑलरेडी पैरासाइटिक बारे। एनाइसोसाइटिक ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक क्या होगा, स्मॉलर होगा, बाकी दो तीन होंगे, लेकिन एनमोसाइटिक मोर देन थ्री दैट आर कॉल्ड एज एनमोसाइटिक टाइप। देखिए इन्होंने हेक्सासाइटिक में क्या है भाई, अब देखिए एक इन्होंने अलग बताया हेक्सासाइटिक, यहाँ पे देखो दो टर्मिनल है और दो क्या है पैरेलल, गार्ड सेल के क्या है चार पैरेलल है, दो इधर दो इधर, दैट इज द आउटर सब्सिडरी सेल एंड दैट इज द इनर मोस्ट सब्सिडरी सेल, दिस इज कॉल्ड एज द हेक्सासाइटिक। इसको क्या कहते हैं, हेक्सासाइटिक टाइप। एक अलग इन्होंने बताया, एक हेमी पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या होता है भाई, दो पैरेलल, हेमी पैरा में क्या एक ही सब्सिडरी सेल्स होता है केवल एक साइड में, तो उसे क्या कह दिया हेमी पैरा साइटिक। साइक्लो में क्या है, देखिए गार्ड सेल्स है और सब्सिडरी सेल्स मेनी हैं और दे आर द फाउंड इन द वेरियस रिंग, एक रिंग, दो रिंग, कई रिंग में, दैट आर द साइक्लोसाइटिक टाइप। ठीक है, तो दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द क्या क्या होता है, एक चार्ट है इसमें भी देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ स्टोमेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो थर्ड ईयर में आपके प्लांट एनाटॉमी अप्लाइड है उसमें बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।